#BanoBaaziGirl. Good morning everyone, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो देखना, मच्छरों को मत देखना, उनके ऊपर ध्यान मत देना। सो माफी चाहता हूँ, मैं सेकेंड मैच वीडियो आप लोगों के सामने नहीं ला पाया क्योंकि बिजी था और वीडियो एडिट टाइम पर नहीं हो पाई थी। तो इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो में मैं बात करूंगा टीम न्यूज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के 30-20 की, जो कि खेला जाएगा मुंबई यानी कि वानखेड़े में, और उसके बाद प्लेइंग 11 की क्या प्रेडिक्शन है और बहुत सारी चीजें, ड्रीम 11 की स्मॉल लीग टीम, पिच रिपोर्ट क्या होगी, वेदर रिपोर्ट क्या होगी, और बल्लेबाजी की स्मॉल लीग टीम क्लासिक, फिर बैटिंग फैंटेसी, बॉलिंग फैंटेसी, सभी की टीम्स मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी करूंगा। प्लस सबसे बड़ी चीज, जो कार का गिव अवे है आज के मैच में, कार का गिव अवे है, स्कूटी का गिव अवे का जो गिव अवे था बल्लेबाजी पर, रैंक क्लैश हो गई थी तो उन लोगों को आधा था पैसा मिलेगा, बट कार का गिव अवे है भगवान, वो उस पर क्लैश मत करवाना क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कार को आधी थी काट कर नहीं दिया जा सकता। सो कार का गिव अवे होने वाला है, आप लोगों को कार के गिव अवे के बारे में बता दूं कि बल्लेबाजी ऐप पर आप जैसे ही ऐप को ओपन करोगे, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच ओपन करोगे, माय कॉन्टेस्ट में देखोगे लिखा होगा फ्री रोल, माय विन आ फ्री कार ऐसा लिखा है, वो लीग आप ज्वाइन कर लो, फ्री एंट्री है, आप 9 टीम से ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करो और और आप ज्वाइन करके अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, फर्स्ट रैंक पर अगर आप आ गए तो आप एक कार जीत सकते हो, और अगर नहीं भी आई तो आपको कुछ ना कुछ कैश प्राइज जरूर मिलेगा। तो इतनी बातें हो गई, अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों मेन टॉपिक पर, वीडियो पे, मैच के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, सो हेलो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करेंगे टीम न्यूज की। तो टीम न्यूज में बता दूं कि इंडिया की तरफ से मोहम्मद शामी आज का मैच खेल सकते हैं। अब किसकी जगह पर खेलते हैं ये मुझे श्योरिटी नजर नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से रवि जडेजा की जगह पर वो खेल सकते हैं क्योंकि वाशिंगटन सुंदर को शायद ना बैठा जाए क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास मोस्टली 4-5 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है टॉप, तो वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की वजह से एडवांटेज मिल रही है वाशिंगटन सुंदर को कि वो खेलेंगे, अपनी जगह रिटेन करेंगे, बट रवि जडेजा की जगह पर मोहम्मद शामी खेल सकते हैं। और उसके बाद अगर वेस्ट इंडीज की टीम की बात करें तो कीमो पॉल खेल सकते हैं कल किसी की जगह पर, चाहे हेडन वॉल्स हो, चाहे कायल पीरे की जगह पर, तो खैर नहीं खेलेंगे उसको नहीं हटाएंगे, बट हेडन वॉल्स की जगह पर जैसन होल्डर की जगह पर खेल सकते हैं कीमो पॉल। सो ये हो गई हम लोगों की टीम न्यूज। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, आपको प्लेइंग 11 दिख रही है, ये इंडिया की प्लेइंग 11, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, विराट कोहली। बहुत अच्छा मैच प्रेडिक्शन आने वाला है आज के मैच में, वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ पेड टीम और फ्री टीम को लेकर, जिसको सुनकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, मेरा नहीं हो रहा, आपका हो जाएगा। सो रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और विराट कोहली टॉप 3, फिर श्रेयस अय्यर, उसके बाद ऋषभ पंत, देन शिवम दुबे को कल भी भेज सकते हैं हार्ड हिटिंग के लिए। शिवम दुबे को पावर प्ले में अगर विकेट गिरता है इंडिया का तो टॉप ऑर्डर पर भेजा जा सकता है क्योंकि अच्छे हिटर है। उसके बाद प्लेइंग 11 आप सभी के सामने है ही, आप देख लो। फिर रवि जडेजा तो शायद कल नहीं खेलेंगे, तो फिर वाशिंगटन सुंदर आएंगे, भुवनेश्वर कुमार हैं और विजेंद्र चहल हैं, दीपक चहर हैं। सो ये प्लेइंग 11 इंडिया की होने वाली है, मेरे ख्याल से इंडिया कल का मैच जीतने वाली है ताबड़तोड़ तरीके से, कैसे आपको वीडियो में बताऊंगा। सो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की। तो वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 आप देख सकते हो, लेडन सिमंस, एविन लेविस, ब्रेंडन किंग, ब्रेंडन किंग की जगह पक्की शायद नहीं है बट कुछ मुझे ऐसी न्यूज मिल रही है, बट खेलेंगे, मेरे ख्याल से खेलना चाहिए। सो ब्रेंडन किंग हो गए, लेडन सिमंस हो गए और एविन लेविस हो गए, फोर्थ पे खेल सकते हैं शेवन हेडमेयर खेलेंगे, फिर पांच नंबर पर कैरन पोलार्ड, उसके बाद निकोलस पूरन, निकोलस पूरन कैरन पोलार्ड के ऊपर भी आ सकते हैं बैटिंग करने, और फिर भैया बस इनके ऑलराउंडर जैसन होल्डर शायद कल नहीं खेलेंगे तो फिर कीमो पॉल आएंगे, और उसके बाद केसविक विलियम्स हो गए, शेलन कॉटन हो गए, हेडन वॉल्स हो गए जूनियर अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, काइल पीयर हो गए। सो ये होगी इनकी वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 आपके सामने है, ज्यादा टफ प्लेइंग 11 लगभग सेम रहने वाली है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो ये मैच मुंबई में वानखेड़े में खेला जाएगा, इसका मतलब ये है कि बैटिंग विकेट है, बहुत अच्छा विकेट है बैटिंग के लिए, और जो एटमॉस्फेयर होगा ज्यादा ठंड हो, सॉरी मुंबई में ज्यादा ठंड भी नहीं होती, गर्मी होगी नहीं ज्यादा, तो अच्छी बैटिंग है, और सेकेंड टीम बैट पे जो भी टीम होगी टॉस जीत के, जो भी टीम टॉस जीतेगी शायद वो बैटिंग ले ले ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ड्यू फैक्टर उतना ज्यादा नहीं होगा, बट आई थिंक 200 के आसपास भी अगर स्कोर बनता है तो यहाँ पर चेस होने की इस पिच क्षमता रखती है चेस करने की। सो अच्छी पिच है, यहाँ पर आपके 200 रन भी काफी नहीं है डिफेंस करने के, आप 5 बैट्समैन या 4 बैट्समैन के साथ ही सारे कॉम्बिनेशन बनाना है, इस मैच में ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा।
अब क्या बात कर ले, अब बात कर लेते हैं हम ड्रीम इलेवन टीम की। सो गाइस ड्रीम इलेवन टीम आपको स्क्रीन पर दिख रही है। मैंने यहाँ पर लिया निकोलस पूरन को विकेट कीपर में, वेस्टइंडीज की तरफ से लिया सिमंस को, एविन लेविस को, करन पोलार्ड को, इंडिया की तरफ से मैंने बैट्समैन लिया है रोहित शर्मा, विराट कोहली और लोकेश राहुल को, शिवम दुबे को। इंडिया की तरफ से मैंने चार तीन बॉलर लिए हैं जो कि हैं भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर और युजवेंद्र चहल। सो आपको बता दूं कि करन पोलार्ड, ओके करन पोलार्ड हो गए, रोहित शर्मा हो गए, इनको बहुत अच्छा मतलब कि इस पिच पर खेलने का एक्सपीरियंस है, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। और अभी कैप्टन मैं सुनने की, मैं आपको बता दूं कि मैं वो नहीं दे रहा हूँ, वो आप लोग खुद चुन लो, और जो फाइनल टीम होगी वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो को देख, अगर देख रहे हो तो भैया टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टिकटॉक हो गया, सारी जगह पर जुड़े रहो, क्योंकि बिग बैश लीग स्टार्ट हो रही है और T20 सीजन बहुत बड़ा आ रहा है, सुपर स्मैश, बिग बैश लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, तो पूरा T20 सीजन ही आ रहा है और लगातार मैं YouTube पर एक्टिव रहूंगा आप लोगों के लिए, तो बहुत सारा बेनिफिट आप लोगों को होने वाला है। सो अभी वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत बड़ी सरप्राइज भी देने वाला हूँ। सो ये मेरी ड्रीम इलेवन टीम होगी। अब हमारे मेरी बल्लेबाजी टीम देख लीजिए, क्लासिक फैंटेसी की, आपकी स्क्रीन पर है क्लासिक फैंटेसी की, आप देख सकते हो सेम टीम है, कैप्टन वेलफेट अपने हिसाब से चुन लेना। अब बात करते हैं बैटिंग फैंटेसी की, बल्लेबाजी की, बैटिंग फैंटेसी में थोड़ी सी क्रेडिट की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने विराट कोहली को ड्रॉप किया, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल मैंने मतलब अपनी टीम में लिया है, लेडिन सिमंस हो गए, करन पोलार्ड हो गए और ब्रेंडन किंग को लिया है, वेस्टइंडीज की तरफ से पांच बैट्समैन मारे हो गए बैटिंग फैंटेसी के, कैप्टन वाइस कैप्टन आपकी मर्जी है। उसके बाद बॉलिंग फैंटेसी की बात करें तो कैसरी विलियम्स, शेलन कॉटन, वेस्टइंडीज की तरफ से दो बॉलर लिए हैं, इंडिया की तरफ से वही तीन बॉलर, दीपक चहल, जीवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार, तीन बॉलर ही हैं, तो फिर पांच बॉलर हो गए, तो ये हमारी टीम हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मैच प्रेडिक्शन की। मेरे ख्याल से इंडिया मैच जीतेगा, मेरे ख्याल से इंडिया का लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली तीनों ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, तो इंडिया का डाउन भी ऑर्डर लेना शायद इतना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कल के मैच में, बाकी ग्रैंड लीग में अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। हाँ, श्रेयस अय्यर को ट्राई कर लेना, कभी तक भी मैच में उसका परफॉर्मेंस नहीं आया है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली है, तो वो परफॉर्म कर सकता है। तो ये बात हो गई यार, एक्चुअली रात के 2 बजे मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ और फैन ऑन नहीं कर सकते, बैकग्राउंड नॉइस आती है, तो उसी वजह से मच्छर आ रहे हैं और मैं बाहर हूँ। सो बात हो गई टीम वगैरह की। अब सभी लोग, आप लोग बता दूं भैया टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और यहाँ टिकटॉक, पांचों जगह पर भैया जाकर के जुड़ जाओ। मैं कह रहा हूँ, इतना बोलता हूँ जुड़ जाओ, मतलब आपको कुछ ना कुछ आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, चीजें आपको आसानी से मिलती रहेंगी, आपको भी मन लगा रहेगा और सारी चीजें बहुत आसानी से बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो जाओ, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बल्लेबाजी आप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, रेफर कोड आप मेरा यूज करना रियल अनु, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लगातार। सो क्योंकि फ्री का गिव अवे है, अगर फ्री गिव अवे मिलता है तो जरूर फायदा उठाया करो, और ऐसे बहुत सारे गिव अवे अभी आने वाले हैं और कल फाइनल गिव अवे है, उसके बाद फिर विनर्स टीम ग्रुप में आपको वीडियो डालूंगा। सो लव यू ऑल, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार एक लाइक ठोक दो, लगातार चैनल पर वापस आने की कोशिश कर रहा हूं, और क्या आपको अच्छा लगता है वीडियो में, क्या बुरा लगा वीडियो में सब कमेंट कर देना, और बस ऐसे प्यार मित्रों वीडियो को शेयर करते रहो, जो भी वीडियो को शेयर करोगे तो जितने लोग यूट्यूब पे इनएक्टिव हो गए वो एक्टिव हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि आपका भाई वीडियो सब डाल रहा है, और आने वाले समय में डेली दो वीडियोज आया करेंगी और बहुत सारी लर्निंग वीडियोज, मोटिवेशनल वीडियोज, बहुत सारी वीडियोज आने वाली है रिलेटेड टू बिजनेस। सो थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।